विधेय और इस समय नहीं है। इस मन महफिल में बुद्धिजीवी सम्मानित बाबू जी ने नौजवान युवा भाई बगल में बैठी हुई माता या बहन लो नन्हे मुन्हे बच्चे और इस भव्य कजरी महोत्सव में इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी ग्रामवासी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक एक से सुप्रसिद्ध कलाकार धुरंधर कलाकार गायक गायिका सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मयूरभंज से गायिका नीलम सिंह एंड पूरी पार्टी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। गायिका महोदय जी से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ जो कमेटी के प्रबंध स्वागत की कड़ी में कमेटी के तरफ से पुष्प के पंखुड़ियों से गूंथा हुआ सुंदर पुष्पहार और एक सुंदर दुपट्टा बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ सम्मान किया गया। शरणों में कोटि कोटि नमक से भैया लोग को एक सौ नमस्कार प्रणाम है। उधर से संचालन महोदय जी का कहना है कि इस कजरी के रंगमंच की ओर से किसका कहना है प्रबंधक जी का कहना है कि कम से कम समय में गीत को अपने समाप्त करने का कोशिश करें कलाकार बंधु। तो आपको मैं मौका ही नहीं दूंगी। ऐसे ही मेरा नंबर कम का था लेकिन रोके रहे मंगल जी कि नहीं आप क्षेत्र के कलाकार हैं रुके रहिए है, रिक्वेस्ट है आपसे। तो आपको मैं मौका नहीं दूंगी और मैं आजकल के कभी होके मान नहीं चाहे कुछ भी कह रही लेकिन कलाकार आगे पहले अपन आवाज गरमाओ थो दस पांच मिनट 10 मिनट गा ले थू मैं कमर हिला ले थू तब उनका आवाज गरमा देते अपने कला का प्रस्तुति दे थू। अरे कलाकार को ऐसा कलाकार बनना चाहिए। चैनल की लोग बात करते हैं अभी अभी कुछ देर पहले विधायक केसरी मुन्नू मस्ताना जी की इस मन से गा करके गए हैं कभी सी गा करके गए हैं जो कि हम लोग चैनल में जाते हैं वो बीर गंगा में गए थे विजेता हुए हैं। चैनल में हम लोग जाते हैं चाहे महुआ चैनल हो या बीर गंगा हो 8 मिनट या 10 मिनट का कलाकारों को समय मिलता है उसमें पूरा विराह गाना पड़ता है तब कैसे कलाकार गाते हैं। तो वैसा कलाकार को बनना चाहिए कि जैसा मंच हो वैसा गीत का प्रस्तुति दे। चलाओ जीरो की आवाज़ है कहूँ मैं
कोई जादू न जाने